हे दोस्त, तूने कभी अपनी मम्मी पापा से रोड पे मार खाई है? ऑफ कोर्स नहीं खाई होगी यार, खाई होगी ना तो वो मुझे पता नहीं है, बट भाई कुछ लोंडो के से शौक होते जिसे रोड पे मार खाने का शौक होते, तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। सो हेलो, दिस इज Inox 7FM, स्वागत है एक नए ब्लॉग रोस्ट में। तो आज मैं घर पे हूँ, आज ना कोई कोचिंग है, ना कॉलेज है, ना कहीं जाना नहीं, घर पे पढ़ाओ। तो मम्मी भी कहती है तो फालतू बेला पढ़ाओगे घर के अंदर, किसी काम का तो तू है नहीं। तो मम्मी कहती है कि किसी काम तो आ, तो घर में साफ करता हूँ। प्यार से मम्मी की बात मान नहीं लेते, तो मम्मी की बात मानने के लिए मैं साफ करने जाता अपना बिस्तर, बस इतना करना था, कर दिया, हो गया मेरा काम। मम्मी परेशान मत करना, तो उसमें काम हो गया मेरे। और कल मैं इसी घर में पड़ा हुआ था, एंड देन मेरे दोस्त का कॉल आता है, वो मुझे कहता है भाई मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने दो ब्लॉग देख रहे थे, एक तेरा ब्लॉग देख रहे थे, एक दूसरे बंदे का ब्लॉग देख रहे थे। भाई तेरा ब्लॉग देखने के बाद मेरा दोस्त तो मतलब जिंदा था भाई, उसके बुरे हाल हो गए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोलता भाई तेरे घर वालों ने तेरे को मोबाइल दे के बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, कसम से जब से तेरे हाथ में मोबाइल आया ना, तेरा ब्लॉग देख के हम परेशान हो चुके। एंड भाई सेकेंड, इस लोंडे के हाथ में बाइक किसने दी? इसी घर वालों ने उसका बाइक दिलाने के बाद है ना भाई, ये पागल, मतलब इसका कंटेंट देख के मेरा दोस्त बेहोश हो चुका है सदमे में। मैंने कहा भाई ऐसा क्या सीन हो गया इसके अंदर कि जो तू बोल रहा, मतलब इतना बेकार ब्लॉग था। एंड देन मैंने उस बंदे का नाम सर्च करा, एंड देन उसके कुछ ब्लॉग देखे, एंड ब्लॉग देखने के बाद हे भगवान सीढ़ी भेज दे या फिर उड़ के आओ, पापा की परी नहीं हूँ मैं, लड़का हूँ, दे दो सीढ़ी। एंड ये एक ऐसा लोंडा है जो सड़कों पे मार खाता है, मम्मी से डांट खाता है, एंड देन इसकी एक कॉपी भी है। चलिए शुरू करते हैं। ओ पापा, ओ भाई, पापा तो इधर खड़े हैं भाई, पढ़ने वाली है, बहुत भाई लीड कर रहा था टर्न पे। और आ गए मजे, और चलाओ तेज है ना गाड़ी। अंकल जी मैं तो कहता हूँ इसको दो चप्पल जूते लात घुसे, और उसको जब तक मारो जब तक इसका मुंह ना टूटे। शाबाश बेटा। आप इधर कहाँ आ गए हो? धीरे तो स्पीड इतनी नहीं थी, धीरे था। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। बेटा पापा है तुम्हारे, उनके सामने तेज मत चला करो, वो जिस दिन तेज चले ना तुम्हारा कुछ ऐसा सीन होगा। ओ भाई पापा साथ में चल रहे, रुक जाओ पापा, सही में पापा रुक जाओ, पापा आगे सच्ची में जंप है, पापा ब्रेक ब्रेक, पापा आराम से मारो सच्ची में, स्पीड ब्रेकर, ये देखो पापा गड्ढे नहीं दिख रहा क्या? मैंने गलती कर दी पापा, आपको बाइक देकर गए पापा, गड्ढा है आगे पापा, सच्ची में गड्ढा, पापा ब्रेक मत मारना, आप एक रड़ेगी पापा मैं पहली। मुझे लगा कि आज कोचिंग की छुट्टी है तो घर पे करेंगे एंजॉय, बड़े प्यार से पूरा करेंगे चिल, पर सर का मैसेज आया कि आज लगी कोचिंग, तो आज सर ने कर दिया सबको किल। बेकार थी आई नो यार, कसम से यही सोचा था कि घर पे करूँगा एंजॉय यार, बट सर का मैसेज आया ग्रुप में कि आज कोचिंग लग रही, तो कोचिंग जाना पड़ेगा। और अब फटाफट रेडी होकर निकलता हूँ, जिस तरह मेरे बाल है ना कंजर टाइप के लग रहा, कैप मैप पे जाना पड़ेगी, और धूप भी तेज की हो रही है। और मम्मी सुनो, गाड़ी में तेज चलाने वाला हूँ, बीच में कोई आकर रोकने पापा को भेज देना, पापा रास्ते में खड़े रहेंगे, बोलेंगे बेटा तो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, फिर बाद में आके मारने स्टार्ट कर देना, दो तीन थप्पड़ मारना और बोलना गाड़ी तेज चलाता है, गाड़ी तेज चलाता है ना, चला सकता है ना गाड़ी तेज? कम चलाना। मम्मी ने बोल दिया गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी तेज हुई तो फिर पिटाई पक्की है, देख रहे हो। और यार कसम से धूप बहुत तेज की हो रही है यार, 3:30 बज चुके हैं, वो धूप के चक्कर में हालत ख़राब हो जाएगी, इतना मुझे कंफर्म पता है। तो डालते कैप में मास्क पहन के जाते हैं कोचिंग, हम नहीं चाहते धूप में, हम ऑलरेडी काले हैं, और ज़्यादा काले ना हो जाए इसलिए। यार सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे लगा छुट्टी कोचिंग की मैं इंजॉय करने वाला था, सोचा लोगों को रोस्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, नहीं, बट नहीं, सर का मैसेज आ गया, सर बोलते कोचिंग आओ, आज कोचिंग लगेगी, कोई छुट्टी नहीं है। वो ये पता है किसने करी गद्दारी, मेरी क्लास में है एक टॉपर, साला पता नहीं टॉपर पैदा हो कहाँ से जाते हैं वे, अरे इतनी प्यारी छुट्टी थी, उसने सर से बोला सर जी मैं क्लास करता हूँ अटेंड, सबको देखूंगा, मैं सबको सिखाऊंगा, इसके चक्कर में आज सबकी वाट लग चुकी है। Boring. Hey y'all, come look at this. Oh, bhai.
मोम थे इधर, मोम भाई मोम खड़े थे इधर। ये नहीं सुधरेगा, ये फिर से मार खाएगा, ये वही गलती बार बार करेगा, फिर से मार खाएगा, इसका हाल कुछ ऐसा है। मुझे लग रहा गालियां पड़ेंगी। क्या क्यों क्या आंटी जी, ये क्या करा आपने? मुझे लगा कि आप इसे मारोगे। अंकल जी ने जो काम नहीं करा, मुझे लगा आप मेरा सपना पूरा करोगे। इसने आप दो तीन थप्पड़ है साथ में, मतलब जूते चप्पल सब दोगे, बट आपने तो इसको ऐसा मारा जैसे कि इसको सवासी दे रहे हो। कसम से मज़ा नहीं आया आंटी, एक बार फिर से दे दो ना खींच खाच के, मज़ा आएगा। वो एक माँ है, कैसे अपने बच्चों को तेज मार सकती है ना यार। सो दोस्त, मुझे माफ़ करना यदि तेरे को मेरे ब्लोरोस से हर्ट हुआ होगा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। दिस इज़ माय ओनली कंटेंट, डोंट टेक इट सीरियसली एंड पर्सनली, जस्ट मेरा कंटेंट था। एंड आई नो आज का कंटेंट मेरा, मतलब आज का ब्लोरोस इतना खास नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम से और कोशिश करूँगा इसको अच्छा बना सकूँ। यार मैं भी कुछ सीख रहा हूँ अभी, है ना, तो अपन अभी ब्लॉगिंग प्लस रोस्टिंग ब्लोरोस्ट सीख रहे हैं, अभी अच्छे से आता नहीं है मेरे को। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं करते तो समाप्त, मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई भोपाल में बारिश हो रही, इसके चक्कर में धूप आ रही है, जा रही है, धूप आ रही है, जा रही है, तो बादल से चक्कर में, तो चलो करते से खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। कुछ नहीं बोल रहा ना मैम, पब्लिक बहुत फायदा उठा रहे। क्या पब्लिक बहुत फायदा उठा? तुम